247 पे। चलिएगा, एक सेशन की शुरुआत करेंगे। और हाँ, सेशन की शुरुआत में ही एक बात तो यार इन्फॉर्म कर ही दूँ कि यार आज आप में नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, काजल नायरा जी बता रही हैं कि सर शांतनु सर आप पे नज़र रखे हुए हैं, तो ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाएगा और क्लियर है। तो चलिएगा, जरा ये बताइएगा दोस्तों कि अगर सब कुछ ऑडिबल और विजुअल है, कारण यह है कि लाइट नहीं होगी, आपको बीच बीच में बीप की आवाज, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, ठीक है, ऐसी आ रही होगी, क्योंकि लाइट नहीं है तो आज शो को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। रीजन की पता नहीं, यूपीएस कितने देर तक बैकअप दे, कितने देर तक बैकअप ना दे, ये भी एक समस्या है, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी भगवान हम लोग का साथ देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाऊं, उससे पहले तो पेन सेलेक्ट कर लूं, और पेन सेलेक्ट करने के साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्त कि ये जो मॉक बैच है ये कब से आ रहा है, तो 12 अक्टूबर से, 12 अक्टूबर से आ रहा है। जो दोस्तों मेरे रेफरल कोड Y182 के जरिए आपको 62% से भी ज्यादा ऑफ पे मिल रहा है, या फिर आप ये टेस्ट सीरीज कुछ भी परचेस करें, ये आपको 62% ऑफ पे मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहले क्वेश्चन की। तो आई थिंक सभी लोग रेडी होंगे पहले क्वेश्चन और सेशन की शुरुआत के लिए, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पुनर्गठित संविधान सभा में निम्नलिखित विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। दोस्तों, यदि हम लोग ओरिजिनल संविधान सभा की बात करें कि जब संविधान सभा शुरू में बनी थी तब कितने सदस्य थे, तब तो सर 389 सदस्य थे, ठीक है ना। लेकिन जब, और इस 389 में आपको पता ही है, चार चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, और आपके 93 देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट से हुआ करते थे। इस तरीके से 292 आपके क्या हुआ करते थे, ब्रिटिश राज्य से हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन दोस्त बाद में आपके देश का बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के बाद दोस्त क्या किया गया, पुनर्गठित जो संविधान सभा बनी थी दोस्त, उसमें मात्र 229 सदस्य रह गए थे। शुरुआत में तो 389 थे, चार चीफ कमिश्नर, 93 प्रोविंशियल स्टेट मतलब देसी रियासतों से, 292 ब्रिटिश क्षेत्र से, इस तरीके से करके थे। और दोस्तों आपको बताएं कि ये जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो कितने लाख जनसंख्या पर निर्धारित की गई थी, जरा सा दोस्तों ये बताइएगा, कितने लाख जनसंख्या पे, तो बताइएगा दोस्तों कितने लाख जनसंख्या पे ये पुनर्गठित संविधान सभा निर्धारित की गई थी। आपके ऑप्शंस आने चाहिए, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों वो संख्या कितनी थी। आपके इंग्लिश वाले सर ने फोन कर दिया था तो थोड़ा सा उनका देखना पड़ा, ठीक है। तो भाई सर वो थी आपके 10 लाख, 10 लाख की जनसंख्या पे सर आपके लिए एक सदस्य भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था, ठीक है ना, 10 लाख की जनसंख्या पर। यह बात याद रखना, यह अक्सर पूछता रहता है। नेक्स्ट सर, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अब दो साथ ही साथ रिलेट करके हम लोग को पढ़ना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक, यह भी अक्सर पूछता रहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या शुरुआत में कितनी थी, जब 389 लोग थे उस समय संविधान सभा में दोस्त महिला सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी। एक तो दोस्त आपसे यह भी पूछ देगा, एक दोस्त एससी एसटी सदस्य जो थे उनकी संख्या, एसटी एससी एसटी सदस्य संविधान सभा में कितने थे उनकी संख्या पूछ देता है। साथ ही साथ दोस्त आपको बताएं कि, अच्छा इस क्वेश्चन का बताइएगा क्या आंसर होगा, ठीक है ना, बताइएगा बताइएगा। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, राहुल वर्मा, नीलांबर, अंकित, रामेश्वर जी, बताइएगा इसका क्या है। हाँ, प्रथम बैठक का आंसर आप लोगों ने 9 दिसंबर 1946 दिया, जो कि सही है। एससी एसटी सदस्यों की संख्या 33 थी, महिला सदस्यों की संख्या 12 थी, और सर इस क्वेश्चन का आंसर एमएन रॉय है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक विचार किसने दिया था, तो एमएन रॉय ने। अगला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, यह किसने कहा था। दोस्तों आपको बताएं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, यही वो लाइन थी जो बाद में
जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया तो उसके विरोध का एक प्रबल कारण बनी, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं, उसे हम लोगों ने व्हाइट मैन कमीशन भी कहा। जबकि साइमन कमीशन आने के 6 साल पहले ही गांधी जी ने कह दिया था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, ऑप्शन ए इसका दोस्त करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, याद रहेगा सभी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, जरा बताइएगा दोस्त। अच्छा जरा बताइएगा दोस्त, अच्छा संविधान जब हम लोग का लिखा गया तो उसके ऊपर कई वाचन हुए, कई बार बातचीत हुई, तो संविधान सभा का प्रथम वाचन, ठीक है, अब प्रथम बैठक नहीं पूछ रहा हूं, संविधान सभा के ऊपर कई बार वाचन हुआ, तो जो संविधान सभा का प्रथम वाचन था दोस्त, वो उसके लिखे जाने के बाद 4 नवंबर से, याद रखना 4 नवंबर से 8 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। ये जब रेलवे के पेपर में पूछा तो कई लोगों ने प्रथम वाचन की जगह प्रथम बैठक पे टिक लगा दिया था, जबकि ये चर्चा परिचर्चा की बात कर रहा है, तो ये बात थोड़ा सा केयर करते हुए पढ़ना, ठीक है ना, ये चर्चा परिचर्चा की बात कर रहा है और लोग टिक लगा दिए थे प्रथम बैठक, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। 1924 में ये बात कही थी मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 ईस्वी में एक पार्टी भी बनाई थी जिस पार्टी को हम लोग स्वराज पार्टी कहते हैं, और अपने स्वराज पार्टी के मंच से ही इन्होंने अपने सहयोगी सी आर दास के साथ कहा था कि यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, संविधान, सर ये वाला आंसर तो हम लोग कर चुके हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा संविधान के ऊपर कुल चर्चा, कुल बहस कितने दिन चली, कुल बहस संविधान के ऊपर, ठीक है ना, संविधान पर कुल बहस कितने दिन तक चली थी आपको ये बताना है। संविधान लिखे जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये तो आपको पता है कि उसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, चलिए ये बात तो आपको क्लियर है, लेकिन दोस्त क्वेश्चन ये है कि कितने दिन टोटल डिस्कशन हुआ था संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित होने से पहले, तो बताइएगा दोस्तों कितने दिन। कोई भी, मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा कि कितने लोग इसमें कमेंट कर रहे हो, तो दोस्तों याद रखना 114 दिन, टोटल 114 दिन संविधान के ऊपर डिस्कशन हुआ था, ठीक है ना, टोटल 114 दिन। नहीं देखो कुछ लोग, सूरज चौधरी आपने 146 लिखा दोस्त, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। भाई वर्षा क्वेश्चन है, वर्षा राजपूत जरा आंसर करिए कि आप बताइए कि पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है। देखो दोस्त आपको बताना है कि किस वजह से होती है भारत में वर्षा, तो भैया ये बताइएगा पश्चिमी तट पर। अच्छा आपको बताना है भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है, सबसे कम वर्षा। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये CHSL में पूछा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है, अब जरा ये बताइएगा, ठीक है, सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, ठीक है ना। और दोस्त आपको यह भी बताना है साथ ही साथ कि एक बार आपके पहले मैं कमेंट देखूं, प्रदीप चौरसिया, सुदीपा, मोहन, किरण, रोहतास, मीनाक्षी और नीलांबर, मोहम्मद आसफ, ब्यूटी तिवारी जी, मोनिका कुमारी, आंसर करिएगा सबसे कम वर्षा। तो वैसे दोस्त इस क्वेश्चन का जो आपके आंसर होगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, छठवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। सबसे कम वर्षा कहां होती है सर, तो लेह में होती है, सबसे कम वर्षा लेह में, और जब होती है तो जाड़े के दिनों में होती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। बहुत बढ़िया, लेह लद्दाख, और इसका ये आंसर सही है, ठीक है ना। और दोस्त अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अब यहां पे आपको भारत की औसत वर्षा भी बतानी है कि भारत में एवरेज रेनफॉल, ठीक है ना, औसत वर्षा भारत में, एवरेज रेनफॉल, ठीक है, भारत में कितना है, भारत में औसत वर्षा लगभग कितना है,
200 मिमी से कम वर्षा कहां पे इन दिए गए ऑप्शंस में से होती है, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है, सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है। एक दोस्तों ये भी क्वेश्चन है आपके साथ, भारत में वर्षा सर्वाधिक किस प्रकार की होती है। तो सर एक पॉइंट याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्त पर्वतीय वर्षा, ठीक है, पर्वतीय वर्षा। सर एवरेज रेनफॉल की बात कर लें तो 112 सेंटीमीटर से लेकर के सर 125 सेंटीमीटर तक होती है। 112 से लेकर के कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर तक होती है भारत में एवरेज रेनफॉल, ठीक है, ये एक आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, तो बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, 200 मिमी वर्षा होती है तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे इंग्लिश में, पहले एक बार इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन रेनफॉल, भारतीय रेनफॉल की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो हिंदी में भारतीय वर्षा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा नहीं है, भारत में वर्षा की अनिश्चितता है, भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है, यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष के कुछ ही महीनों में वर्षा होता है, यहाँ के सभी क्षेत्रों में वर्षा। अब देखो यहाँ के समस्त क्षेत्रों में और सभी क्षेत्रों में, दोस्तों ये जो आठवां क्वेश्चन है ना, चाहे आप इसका कहोगे समस्त क्षेत्रों में, ठीक है, वर्षा, अब यहाँ कहोगे सभी क्षेत्रों में और समस्त में लगभग सिमिलर जैसा है, वर्षा का वितरण समान है, मतलब ये दोनों ऑप्शन लगभग सही है, ठीक है, तो दोनों को ही सही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सिमिलर टाइप के आ गए हैं, तो मैं इसके दोनों को ही सही कह रहा हूं। अच्छा, पृथ्वी के धरातल पर, अच्छा इस क्वेश्चन में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप पाया जाता है दोस्त, आपको ये बताना है कि अच्छा एक शब्द होता है दोस्त मानसून, ठीक है ना, ये मैंने एक पेपर में देखा कि मानसून जो शब्द है उसकी खोज, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, मानसून की खोज किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम की थी, एक ऐसा क्वेश्चन था। और दोस्तों मैंने जो आंसर देखा था वो था हिप्लस, ठीक है, हिप्लस नाम के भौतिक आपके जियोग्राफी के एक्सपर्ट ने सबसे पहले मानसून का खोज किया था, ठीक है ना। चलिएगा, तो पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत पर महाद्वीप पाए जाते हैं, तो जरा बताइएगा महाद्वीपों की क्या स्थिति है, आपको भैया जानकारी दीजिए महाद्वीपों के बारे में, क्वेश्चन कर रहा है भाई, तो आंसर करके जरा बताओ। एक बार मैं आपके कमेंट देखना इस समय पसंद करूंगा, तो सम्राट लिख रहे हैं जय माता दी ऑप्शन नंबर बी, हाँ तो आज माता दी ने आपका साथ दिया है, आंसर बी ही सही है, ठीक है ना सम्राट जी, आज माता जी ने आपका साथ दे दिया है, बिल्कुल नौवे क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा का कारण है, दोस्तों जब मानसून रिटर्न होने लगता है, निर्वर्तन होने लगता है, तो मतलब यहां रिटर्न से, विड्रॉल से मतलब है, लौटती हुई मानसून से, इन चार ऑप्शन में से सबसे अधिक वर्षा कहां से होती है, तो बताइएगा दोस्तों लौटती हुई मानसून के कारण, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा चेन्नई, आपको पता है रिट्रीट ऑफ मानसून या विड्रॉल ऑफ मानसून के समय आपके उधर तमिलनाडु साइड में या उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से या लौटती हुई मानसून की वजह से क्या होता है, वर्षा होता है, और चेन्नई इज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो फिर इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने अभी तक कितने देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है, भारत ने कितने देशों के साथ दोस्त सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है, ठीक है, जरा बताइएगा कि कितने देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है, यह आपको बताना है, ठीक है ना, तो बताइएगा दोस्तों। वैसे दोस्त ये 2013-14 का क्वेश्चन है, ये 2013-14 के पेपर का क्वेश्चन, और तब तक भारत ने 17 देश के साथ किया था। वर्तमान में आप आज गूगल करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में भारत का कितने देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट चल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल नन ऑफ दीज दिया जाएगा, क्योंकि ये 2013-14 का क्वेश्चन था और तब 17 ऑप्शन इसमें सही हुआ करता था, तब क्या सही हुआ करता था, 17, ठीक है। तो ये चीज मैक्सिमम लोग गलत कर दिए हैं, तुक्का लगाने वाले लोग गलत कर दिए हैं, ठीक है ना।
तो भैया एक बार मुझे यार, अगर आज बीच में सो समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि सर के यूपीएस ने सर का साथ छोड़ दिया, सर के यहाँ लाइट नहीं है और डिस्चार्ज हो गई उनकी लैपटॉप, उनका सिस्टम जो टेक्निकल सिस्टम्स थे, इसलिए क्लास बीच में रुक गई। चलिए, किस राज्य ने मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया है? दोस्तों आपको बताएं कि मलखंब को राजकीय खेल घोषित करने वाला गोवा है। ठीक है, गोवा जो है दोस्त वो मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया है। अच्छा दोस्तों, मैं कुछ ऐसे आपके जरूरी ठीक है, ये तो ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं होता है? मुझको बार बार यूपीएस की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है कि भैया ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए, यूपीएस बीच में ही बंद हो जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, बैंकिंग के क्षेत्र में आपके किस शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है दोस्त? तो डिक्टेनिमेशन, ठीक है ना, ये शब्द प्रयोग नहीं होता है, डिक्टेनिमेशन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। और दोस्त अच्छा, एक शब्द आप लोग सुनते होंगे, हॉलमार्क, जो कि आपके आभूषणों से संबंधित है, जो गोल्डन की ज्वेलरी होती है, हॉलमार्क सब संबंधित। ये हॉलमार्क जो शब्द है दोस्तों, ये हॉलमार्क योजना भारत में कब प्रारंभ की गई? मेरे पूछने का बस एक कारण है दोस्त, कि मैंने इसको सीएचएसएल के पेपर में 3 बार देखा है, तो पता नहीं, हो सकता है फिर दोहरा दे 2008 के पेपर में, 2014 के पेपर में, और दोस्त ये 2003 के पेपर में आया है कि कब घोषित किया गया। तो दोस्तों याद रखना, 2003 में जब पूछा था तो ये उस समय का करेंट अफेयर था। 2002 ईस्वी में दोस्त भारत में हॉलमार्क योजना लाई गई, जो स्वर्ण आभूषणों से क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक का लोकप्रिय नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो दोस्त है वो क्या है? अच्छा, तो ये दोस्त आपको बड़े आसानी से आप बता सकते हो सर, कि सर हम लोग उसको बीएससी और एक और नाम से जानते हैं, सेंसेक्स। अच्छा सर, हम उसको बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी जानते हैं। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष शुरुआती दिनों में 1978-1979 हुआ करता था, ठीक है ना। और दोस्त सॉरी, सूचकांक का आधार वर्ष 1978, हाँ बिल्कुल ये हुआ करता था, ठीक है। अब फिर उसके बाद बदला, तो फिर हो गया 1983 से लेकर के आपके संवेदी सूचकांक का क्या हो गया, 1983 से लेकर 1984, ये है संवेदी सूचकांक, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक। और ये क्या है दोस्त, बीएससी का राष्ट्रीय सूचकांक, ठीक है, नेशनल इंडेक्स है, राष्ट्रीय सूचकांक। तो ये दोनों में अंतर याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय सूचकांक जो बीएससी का है वो क्या है, 1983-84, जबकि बीएससी का संवेदी सूचकांक जो है दोस्त 1978 से 1979 है, ठीक है ना। अच्छा, इन सारे चीजों को, एक स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? तो सर सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई थी जरा बताइएगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी और किस समिति के अनुशंसा पे हुई थी सेबी की स्थापना? तो दोस्तों याद रखिएगा, समिति का नाम क्या था, एस ए दवे, ठीक है, एस ए दवे जी समिति बनी थी, एस ए दवे जी समिति, जिस समिति के अनुशंसा पे 12 अप्रैल, सेबी की स्थापना कब हो गई, 12 अप्रैल 1988 में। आपसे रेलवे में एस ए दवे समिति कई बार पूछता है, तो गो फॉर दैट, ये आंसर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए सुनील जी, आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया है। अगला, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष, चूंकि एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं दोस्त, एक क्वेश्चन रेलवे के पेपर में एक दो ऐसा रहता है जो बड़ा पुराना रहता है, ठीक है, और वो पार्ट हो गया रहता है स्टैटिक का, हम लोग को देखने से महसूस होता है कि वो करंट का पार्ट है, लेकिन अब ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया है। अब यहां पे बताइएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने 2013-14 में निम्न में से किस देश में शाखा खोलने का निर्णय किया था? दोस्तों बांग्लादेश, चाइना और श्रीलंका, तीनों में ही ये निर्णय लिया था भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही पर्यटन रेलगाड़ी है? पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है भैया जरा बताइएगा, भारत भ्रमण, डेक्कन चैरियट, राज एक्सप्रेस, या फिर दोस्तों आपके भारत दर्शन?
तो बताइएगा दोस्तों कौन सी इसमें से भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही पर्यटन रेलगाड़ी है, ठीक है बताइएगा। अच्छा यहां पे आपको एक चीज और बताना है कि कुछ लोग अभी जब हम लोग हाँ रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है, रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्तों कहाँ पे स्थित है यह भी एक रिलेट करके बताइएगा। ये तो इजी था सर, हाँ बिल्कुल रेलवे स्टाफ कॉलेज। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपके भारत दर्शन है और रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्त बड़ौदा में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। और दोस्त रेलवे की देखभाल के लिए हम लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रखते हैं, ठीक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था, आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, रेलवे के संदर्भ में है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दोस्त आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना आरपीएफ की स्थापना आपके 1882 में ही हो गई थी, ठीक है 1882 में ही हो गई थी। अगला आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेलता है। सर हम लोग बड़े ही आराम से बता देंगे म्यांमार। अच्छा म्यांमार की जीवनदायिनी नदी किसे कहते हैं, जीवनदायिनी नदी, म्यांमार की जीवनदायिनी नदी रिवर कौन सी है दोस्तों। तो या अच्छा एक बात और याद रखना कि शाम 7 बजे आज हम लोग करेंट अफेयर का सेशन लेंगे तीसरा दिन, और शाम 7 बजे जो ये करेंट अफेयर का सेशन होगा दोस्त इस सेशन में हम लोगों को क्या करना है आपके इस सेशन में करंट अफेयर के आज हम लोग अप्रैल मई और जून इन 3 महीने का करंट अफेयर दोहराएंगे सीएचएसएल और रेलवे को ध्यान में रख के। सर इरावदी नदी को हम लोग म्यांमार की जीवनदायिनी नदी को भी रूप में कंसीडर करते हैं इरावदी, ठीक है ना बहुत बढ़िया अनामिका सिंह जी, अच्छा है आपका कमेंट, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मूल्य योजित कर वैट किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया। वैट के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो मूल्य नियोजित कर वैट है ये किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था, तो जरा बताइएगा दोस्तों वैट किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। तो बताइएगा दोस्तों वैट किस समिति की सिफारिश पे, वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल दोस्त जो वैट था वो लगाया गया था आपके चलैया समिति, राजा चलैया समिति की सिफारिश पे लगाया गया था वैट। अच्छा कुछ योजनाएं चलो दोहरा लें, जरा बताओ गांधी योजना किसने लाया था, गांधी योजना किसने लाया था, बॉम्बे प्लान किस वर्ष में आया था। अब देखो इकोनॉमी के क्वेश्चन कुछ कर दे रहा हूं अचानक दिमाग को ट्विस्ट, ठीक है गांधी योजना बॉम्बे प्लान, उसी तरीके से एक दोस्त आया था जन योजना, आजादी से पहले लगभग ये सब आए थे, जन योजना कब आई थी और किसने लाया था दोस्तों याद रखना जन योजना लाया था एम एन रॉय जी ने 1945 ईस्वी में, ठीक है 1945 में। सर अगर गांधी योजना की बात करेंगे तो सर 1944 ईस्वी में आया था और लाने वाले गांधी जी के समर्थकों में से एक श्रीमन नारायण थे, श्रीमन नारायण। सर बॉम्बे प्लान की यदि बात करें तो सर ये 15 वर्षीय योजना थी, 15 वर्षीय योजना थी सर, और इस 15 वर्षीय योजना को 8 बिजनेसमैन ने मिलकर के लाया था सर, और ये आई थी 1944 में, ये कब आई थी तो 1944 में 8 बिजनेसमैनों ने इसको मिलकर के लाया था। इसी तरीके की एक और योजना आई थी दोस्त याद रखना सर्वोदय योजना, एक और योजना आई थी सर्वोदय योजना, और जिसको लाने का श्रेय 1950 ईस्वी में किसको जाता है तो जय प्रकाश नारायण को, जय प्रकाश नारायण, ठीक है ना जय प्रकाश नारायण को जाता है। ये जो 4 योजनाएं हैं योजना आयोग बनने से पहले इन 4 से क्वेश्चन कर देता है, तो भैया इन 4 को जरूर ध्यान रखना आगे बढ़ने के लिए मार्क्स पाने के लिए जरूरी है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर है, तो दोस्तों बताइएगा इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, ठीक है ना भारतीय सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर। आपके अगर कमेंट में देखूं तो विप्लव सरकार जी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा, विप्लव वर्षा राजपूत, ठीक है सुग्रीव पांडे, ब्यूटी तिवारी बताइएगा दोस्तों। वैसे यदि हम लोग बात करें कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की, तो इसमें तो बहुत सारे
आ जाते हैं। याद रखना दोस्त, एक इकोनॉमी से ही रिलेटेड आपको बात बता रहा हूं। भारतीय किसको क्या बोलते हैं, बजट को, भारतीय बजट को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं दे रहा हूं। भारतीय जो बजट पेश होता है दोस्त, उसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है, इंडियन बजट को, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्त आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अप्रत्यक्ष कर की यदि बात करें दोस्त, तो आपका जो इसमें से 19वें का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है दोस्त, आपके इनकम टैक्स जो लगता है आपके ऊपर अप्रत्यक्ष। कई लोग इधर उधर के आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन आज होमवर्क रहेगा, ठीक है, आज के लिए ये एक क्वेश्चन। मैंने कल अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर बहुत सारे आपको बताए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग आज इसमें गलत कर रहे हैं। दोस्तों एक बात आपको बता दें, आपका आयकर वगैरह प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति प्रत्यक्ष कर है, जो लोग ए ए ऑप्शन दे रहे थे, ठीक है ना, निगम कर सर, इसमें अगर हम लोग इसकी बात कर दें, सीमा शुल्क की सर, कस्टम ड्यूटी सर, लगभग अप्रत्यक्ष है। भले मैंने होमवर्क दिया है, लेकिन अब बता दे रहा हूं, क्योंकि भैया कई लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आंसर कर दो। सी वाले लोग भैया निश्चिंत हो जाना, सीमा शुल्क, ठीक है। अगला, वर्तमान में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां कौन कौन सी हैं दोस्त? महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये जरा बताइएगा। अब एक बात जरा याद रखना कि वैसे तो बड़ा आसान है आंसर करना, नन ऑफ दीज, क्योंकि इस समय 4, 5, 6 महारत्न नहीं है, कई महारत्न हो चुकी हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलिएगा, अब उम्मीद करते हैं कि आपको, अच्छा एक बात जो मैं याद दिला दूं कि दोस्तों मेरी क्लास शाम 7 बजे चलती है, और ये जो मेरी क्लास शाम 7 बजे चल रही, इस समय मैं करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहा हूं 5 दिन के लिए। आज उसमें तीसरा दिन रहेगा दोस्तों, और आज हम लोग उसमें, मार्च तक हो गया, अप्रैल मई और जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे, अप्रैल मई जून के करंट अफेयर का रिविजन राउंड लेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि लाइट प्रॉब्लम है, यूपीएस प्रॉब्लम है, इसलिए आज मैं रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्लीज दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।